हेलो एवरीवन, मैं हूँ दुर्गा। वेलकम टू माय फेसबुक पेज त्रिशा केक्स एंड यूट्यूब चैनल त्रिशा केक्स एंड कुकिंग। आज मैं बनाने वाली हूँ पाइनएप्पल फ्लेवर केक। चलो शुरू करते हैं। ये 1 kg का केक है। ये टिन लिया है मैंने, 8x4 inch का टिन है। एक केक देखो कितना अच्छे से बेक हुआ है। ये ऊपर आया है, मतलब कि ये केक बहुत अच्छा बेक हुआ है। ये इसका डोम मैं निकाल देती हूँ। केक को मैं 3 लेयर में कट करने वाली हूँ। ये मैंने इसका डोम निकाल दिया है। ये नॉर्मल वाटर है, मैं केक को सोक कर रही हूँ। मैं कोई शुगर सिरप वगैरह यूज नहीं करती हूँ, मैं नॉर्मल वाटर से ही केक को सोक करती हूँ। ये लिया है मैंने क्रीम, व्हिप्ड क्रीम। ये मालास का मैं पाइनएप्पल क्रश यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं डालूंगी केक के अंदर, क्रीम के अंदर। ये लिया है मैंने क्रीम, पैलेट नाइफ। पैलेट नाइफ को इस तरीके से पकड़ना है और हल्के हाथ से सिर्फ क्रीम को स्प्रेड करना है। ज्यादा प्रेशर नहीं देना है क्रीम के ऊपर, एकदम हल्के हाथ से। थोड़ा सा क्रश, ये आप देख सकते हो, ये अभी हमारा केक क्रम कोट हो चुका है। ये मैं केक को पिंक कलर में कर रही हूँ। ये लिया है मैंने कलर स्प्लैश का कलर, पिंक कलर। बस 2-3 ड्रॉप ही लिया है। ये देख सकते हो आप, ये कलर बन गया है पीच कलर। मैंने क्रीम के अंदर पहले लिया पिंक कलर एंड देन उसके बाद थोड़ा सा ऑरेंज कलर, ऑरेंज एंड पिंक का मिक्सचर, ये पीच कलर बन गया है। देखो कितना अच्छा कलर लग रहा है। अभी हम केक को कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग साइड्स कवर करेंगे। आराम से हल्के हाथ से इसको क्रीम लेके सिर्फ स्प्रेड करना है, दबा के नहीं करना है। अगर दबा के करोगे तो अंदर का क्रीम बाहर निकल आएगा और आपका डेकोरेशन खराब हो जाएगा। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रही हूं।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, ताकि जिनको नहीं आता है वो कुछ इससे सीख पाए। केक हमारा प्लेन हो चुका है एकदम, आप देख सकते हो। अब मैं कर रही हूँ केक का साइड का डेकोरेशन। उसके लिए लिया है मैंने ये वाइट क्रीम, उसके अंदर डालूंगी मैं, क्रीम के अंदर डाल रही हूँ रेड कलर। मैंने रेड कलर लिया है, ये कलर को मैंने पूरा मिक्स नहीं किया है, मैं थोड़ा 3D इफेक्ट दूंगी इसको। ये लिया है मैंने पाइपिंग बैग, ये मैंने N1 नोजल लिया है, N1 नंबर रोज नोजल। थोड़ा सा कलर मैं पाइपिंग बैग के अंदर भी डालूंगी, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा। मैं भी ये केक के साइड में गोल गोल ऐसे रोजेस बनाने वाली हूँ। चकली टाइप सेंटर में मुझे नोजल लगाना है और गोल घुमाना है बस। और एक सिंगल में ऊपर बनाती हूँ, ओके। अब मैंने इसके ऊपर लगाने के लिए थोड़े से गोल्ड फाउंडेंट के लीव्स बनाए हैं, उसको गोल्डन डस्ट किया है, वो मैं लगाती हूँ अभी। ये आप देख सकते हो, ये मैंने फाउंडेंट के लीव्स बनाए हैं। ये हमारा केक रेडी हो चुका है, अभी मैं इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंकल डाल रही हूँ। ये अब केक रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो, सिंपल एंड सोबर, बहुत ही सुंदर ऐसा केक ये बनके रेडी हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर देना, ताकि मेरे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।